ये है ऋषभ और ये हमारे साथ कर रहा है 90 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। फर्स्ट डे पे ऋषभ की फिजिक कुछ ऐसी थी, 12 पुशअप निकाले थे इसने डे वन पे, पुलअप तो एक भी नहीं हुआ था इससे, ना ही चिन अप्स हुए थे, डिप्स इसने 4 निकाले थे डे वन पे, और डे वन पे बेंच प्रेस से इसने 45 केजी से एक रैप निकाला था, डेड लिफ्ट में 100 केजी से एक रैप, स्क्वाड में 80 केजी से एक रैप, और लास्ट में प्लैंक किया था इसने 32 सेकंड्स। और उसके बाद हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई और फर्स्ट 30 डेज के जो रिजल्ट रहे काफी अच्छे रहे, और अब हमारी कोशिश रहेगी कि डे 90 तक की जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है ये भी ऐसे ही अच्छे से हो। सो डे 31 पे हमने सबसे पहले इसकी डाइट में कुछ चेंजेस लाए, अभी हमारा मेन फोकस मसल गेन की तरफ है, सो ओवरऑल डाइट में हमने कैलोरीज भी उसी हिसाब से रखी क्योंकि ये स्किनी फैट में आता है और एक बार हम मसल ग्रो अच्छे से कर लेंगे तो फैट लॉस करना काफी इजी हो जाएगा। इसके साथ हमारा मेन फोकस रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों में ये अपना पहला कंप्लीट पुलअप कर पाए, क्योंकि मुझे लगा था कि डे 30 तक हो जाएगा बट नहीं हुआ, सो इस पे भी हम ध्यान देंगे ज्यादा। बाकी वर्कआउट इसका सही से ही चल रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ही ज्यादा फोकस है हमारा और पुलअप पे भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है बट अभी तक कंप्लीट पुलअप नहीं हुआ इससे। सो इसको हमने एक टारगेट में कन्वर्ट किया और टारगेट रखा कि डे 40 तक एक कंप्लीट पुलअप हो जाना चाहिए, और जो वाकई वर्कआउट है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हो रही है और डाइट भी ये पूरी कंप्लीट ले रहा है। आज है डे 40 और बाकी वर्कआउट के साथ इसने पुलअप पे भी ज्यादा ध्यान दिया है, सो आज देखते हैं कि इससे पुलअप हो पाते हैं या नहीं। सो फाइनली डे 40 तक ऑलमोस्ट एक पुलअप निकाल लिया इसने, बाकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और करेगा तो अच्छे से हो ही जाएंगे। और बाकी जो वर्कआउट है वो भी काफी अच्छा चल रहा है, काफी इंप्रूवमेंट हुई है इसकी स्ट्रेंथ में, 100 केजी से अब 4 से 5 रेपिटेशन आसानी से लगा पाता है ये। इसी बीच हमने इसका वेट चेक किया और वेट आया इसका 68.25 केजी, जो कि डे वन के आसपास ही है, लेकिन बॉडी जो ओवरऑल उसमें काफी चेंजेस है, फैट परसेंटेज थोड़ी कम हुई और मसल ग्रोथ काफी अच्छी दिख रही है। आज इस ट्रांसफॉर्मेशन का डे 53 और लास्ट 2 दिन से इस जिम नहीं आ पाया था, इसको कोई स्कूल का प्रोजेक्ट था जिसमें ये काफी बिजी था, सो इसने घर पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, बट आज से कुछ दिन तक ये फ्री है क्योंकि स्कूल में हॉलीडेज पड़ी है। और अभी हमारा मेन फोकस रहेगा डे 60 पे, जिसपे हम फिर से रिजल्ट चेक करेंगे और देखेंगे डे 1 से कंपेयर करने पे कैसी ओवरऑल इंप्रूवमेंट हुई है। इसी बीच डाइट प्लान में भी कुछ चेंजेस करे हमने और वर्कआउट में कुछ चैलेंजेस ऐड किए जिसे इसने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। आज है डे 60 और एक बार रिजल्ट देखेंगे कि कैसी इंप्रूवमेंट हुई है, ताकि डे 90 तक के लिए एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहे इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने इसका वेट चेक किया, डे 1 पे वेट था इसका 68.85 केजी और आज आया है 66.65 केजी, तो ऑलमोस्ट 2 केजी वेट कम हुआ है, बट मेन फोकस रहेगा कि फिजीक कैसी दिख रही है वो आगे चेक करेंगे। उससे पहले हम चेक करते हैं इसकी स्ट्रेंथ, डे 1 पे निकाले थे इसने 12 पुशअप और आज निकाले हैं 28 पुशअप, पुलअप तो एक भी नहीं हुआ था डे 1 पे, नाइट डे 30 तक हुआ था बट आज इसने किया है 1 पुलअप, डिप्स हुए थे डे 1 पे 4 और आज किए हैं इसने 10, बेंच प्रेस में 45 केजी से एक रैप निकाला था और आज किया है 65 केजी से एक रैप, डेड लिफ्ट में 100 केजी से एक रैप निकाला था और आज 120 केजी से एक रैप निकाला है, प्लैंक किया था इसने डे 1 पे 32 सेकंड और आज किया है इसने 2 मिनट 15 सेकंड, सो काफी इंप्रूवमेंट रही है इसकी स्ट्रेंथ में। और अब चेक करते हैं बॉडी मेजरमेंट और अब फाइनली देखते हैं ऋषभ की फिजिक कैसा दिख रहा है ये आज डे 60 पे। सो ये थे डे 60 के रिजल्ट, अभी भी 30 दिन बचे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन रहे। जय हिंद।